गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में भारी चूक। कई घंटों तक शाह के आसपास घूमता दिखा शख्स, खुद को बताया था सांसद का पीए। हाल ही में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया है। गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में मुंबई दौरे पर पहुंचे थे, इस दौरान उनकी सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि एक शख्स काफी देर तक अमित शाह के आसपास घूमता दिखा। ये शख्स आंध्र प्रदेश के एक सांसद का पीए बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने मंगलवार को महाराष्ट्र के धुले से इस शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें, ये शख्स आंध्र प्रदेश के एक सांसद का पीए है। वो मुंबई स्थित मालाबार हिल्स में स्थित डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा के दौरान संदिग्ध रूप से घूम रहा था। ये मामला मंगलवार का है, जब हेमंत पवार गृह मंत्री अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के सुरक्षा घेरे के पास काफी घूमता दिखा। हेमंत पवार की उम्र 32 साल है, उसके हाथ में गृह मंत्रालय का बैंड भी था, हालांकि वो इसे पहनने के लिए अधिकृत नहीं था। जब गृह मंत्रालय के किसी अधिकारी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, तब उसकी तलाश शुरू की गई। हालांकि पुलिस ने उसे 3 घंटे में ही खोज निकाल लिया, जब वो अपने घर धूले के लिए निकल रहा था। पुलिस के सूत्रों ने बताया, हेमंत पवार आंध्र प्रदेश के सांसद के पीए के तौर पर काम कर रहा था, उसके पास सांसद का पास भी है, लेकिन उसने जो गृह मंत्रालय का बैंड हाथ में पहन रखा था वो उसके लिए अधिकृत नहीं था और इसका इस्तेमाल करने के लिए उसे सजा भी हो सकती है। पुलिस को आशंका है कि हेमंत किसी व्यक्ति को ये दिखाना चाहता था कि वो वरिष्ठ नेताओं के कितने करीबी है और वो गृह मंत्रालय में काम करता है। अमित शाह मंगलवार को मुंबई दौरे पर पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने बीएमसी चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास पर सभी सांसदों, विधायकों, एमएलसी और पार्षदों के साथ बैठक की थी। इस दौरान अमित शाह ने कहा था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है। अमित शाह का ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद से एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच शिवसेना पर दावे को लेकर चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई जारी है। आरोपी शख्स को गिरीगांव कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे 5 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। मुंबई पुलिस लगातार शख्स से पूछताछ कर रही है। पुलिस पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि आखिर किस मंशा के साथ आरोपी शख्स गृह मंत्री अमित शाह के आसपास घूम रहा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।